दोस्तों रिसेंटली अभी आपने इन चारों बाइक्स के ऑफिशियली लॉन्च देख लिए होंगे। ये चारों बाइक्स इनके अपग्रेड मॉडल यामन है। 13 फरवरी 2023 लाइक आज के ही दिन ये बाइक जो है लॉन्च कर दी है यामन ने ऑफिशियली। इन चारों बाइक्स की डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी दिए हैं। अगर आप इन चारों बाइक्स के बारे में अलग अलग जानना चाहते हैं कि इन चारों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं, क्या इन बाइक्स के अंदर आपको न्यू चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या इन बाइक के अंदर आपको कितने वेरिएंट देखने को मिले हैं, साथ ही क्या प्राइस देखने को मिले हैं, तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन चारों बाइक्स के आपको वेरिएंट बताने वाला हूं, कितने लॉन्च करे गए हैं, साथ ही इनके कलर बताने वाला हूं, और इन चारों बाइक्स के मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर प्राइस बताने वाला हूं। ओके दोस्तों, इन चारों बाइक्स के अपग्रेड मॉडल का बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। फाइनली आज 13 फरवरी 2023 के अंदर ये बाइक चारों ही अपग्रेड कर यामा ने ऑफिशियली आज ही लॉन्च की हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज जो बाइक लॉन्च की थी यामा ने, उसका नाम है यामा की FGS-FI डीलक्स B4 लाइक वर्जन 4 को लॉन्च कर दिया है, जिसके प्राइस आपको अब जो एक्स शोरूम इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिलेंगे वो आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे। इस फोटो के अंदर आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल रहे होंगे। यही तीन वेरिएंट को अपग्रेड किया है, जिसके अंदर आपको सेम यही एज इट इज कलर स्कीम देखने को मिलेगी, मेटालिक ब्लैक, मेटालिक ग्रे, मैजेस्टी रेड। इसके प्राइस आपको 1,27,400 के आसपास एक्स शोरूम देखने को मिलेंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक की डेडिकेटेड अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इस बाइक के अंदर क्या न्यू अपग्रेड देखने को मिला है आपको। ओके बाकी बात करते हैं जो सेकंड नंबर पर बाइक जो लॉन्च की है यामा ने आज के ही दिन, वो की है रेट्रो टाइप की यामा की FGX, जो कि इस बाइक का भी लोग अपग्रेड मॉडल का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। दोस्तों ये भी काफी प्रीमियम फीचर के साथ यामा ने लॉन्च कर दिए। इसकी मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी, आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इस बाइक के अंदर चेंजेस हुए हैं सारी डिटेल दी है आपको। ओके अब बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, उस बाइक के वेरिएंट के बारे में, तो आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तीनों कलर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। दो कलर के आपको सेम प्राइस देखने को मिलते हैं, लाइक मैट कॉपर एंड मैट ब्लैक के प्राइस आपको 1,35,900 आपको सेम देखने को मिलेंगे। और जो यूनिक कलर इस बार अपग्रेड होकर आया है डार्क मैट ब्लू, इसके प्राइस आपको थोड़े से इंक्रीज देखने को मिलेंगे, 1,36,900 की ये बाइक आपको एक्स शोरूम पड़ने वाली है। दोस्तों बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील भी आपको कलर देखने को मिलने वाले हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी बाइक के अंदर इंस्टॉल देखने को मिलता है। ओवरऑल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो आप इस बाइक को भी परचेस कर सकते हैं अगर आप कोई रेट्रो सेगमेंट की बाइक परचेस करना चाहते हैं तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में, जो कि बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि रहती है यामा की MT-15 वर्जन 2.0 को अपग्रेड करके लॉन्च किया है 2023 के अंदर आज के ही दिन। इस बाइक के अंदर आपको जो फीचर देखने को मिलते हैं, लाइक मैं आपको बता दूं इस बाइक की भी डेडिकेटेड अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर इस बाइक के अंदर आपको जो भी फीचर देखने को मिले हैं, जो भी चेंजेस देखने को मिले हैं, वो मैंने सारे आपको कवर किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात करूँ इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो आप इस बाइक के प्राइस भी आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे और वेरिएंट भी आप देख पा रहे होंगे, साथ ही आप कलर स्कीम भी इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे। ओवरऑल तीन कलर आपको सेम देखने को मिलते हैं, सियान स्टॉर्म, आइस फ्लू वर्मिलियन, रेसिंग ब्लू, जो कि आपको ओल्ड मॉडल के अंदर भी सेम एज इट इज यही कलर प्रोवाइड कराए गए थे। जो चेंज हुआ है वो मेटालिक ब्लैक डीलक्स के अंदर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको जो कलर्ड एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं ओल्ड मॉडल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल बाइक के प्राइस आपको 1,68,400 एक्स शोरूम देखने को मिलते हैं दिल्ली के अंदर, बाकी इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेंगे पूरे। ओके बाकी बाइक के अंदर जो चेंज हुआ है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। ओके बाकी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि रहती है दोस्तों यामा की R15 B4 और यामा की R15 M। इन दोनों बाइक्स की डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रखी है कि इन बाइक्स के अंदर आपको क्या अपग्रेड देखने को मिला है और बाइक के अंदर आपको क्या न्यू चेंजेस देखने को मिला है। लेकिन अब बात करते हैं बाइक की कलर स्कीम के बारे में और बाइक के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों यामा की R15 M और यामा की R15 B4, इन दोनों के प्राइस आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि यामा R15 M के प्राइस आपको लाइक 1,93,900 देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको मेटालिक ग्ले कलर प्रोवाइड कराया गया है। जैसे कि बाइक के अंदर आपको यही प्राइस देखने को मिलते हैं एक्स शोरूम, जो कि अपग्रेड मॉडल आया है। साथ ही ये बाइक ऑन रोड आपके डिस्ट्रिक्ट के आईडी चार्ज के अकॉर्डिंग पड़ने वाली है। बात करें B4 के बारे में, तो दोस्तों B4 के अंदर आपको तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं अपग्रेड मॉडल के अंदर, जो कि आप देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर, फर्स्ट रेसिंग ब्लू, डार्क नाइट जो कि अपग्रेड होकर आया है, एंड मेटालिक रेड जो कि आपको पहले भी देखने को मिलता था। प्राइस आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं,
रेसिंग ब्लू 185,900 के आसपास देखने को मिलती है। डार्क नाइट जो कि अपग्रेड होकर लाइक गोल्डन कलर के अलॉय व्हील के साथ आया है, इसके प्राइस आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे 181,900 के आसपास देखने को मिलते हैं। एंड मेटालिक रेड आपको 180,900 के आसपास पड़ने वाली है। दोस्तों ये तीनों वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। इन तीनों वेरिएंट के अंदर आपको सेम चेंजेस देखने को मिलेंगे न्यू जो कि अपग्रेड हुए हैं। बाकी MR15M के अंदर आपको कुछ अलग डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से प्राइस के लाइक उस बाइक के प्राइस भी इंक्रीज हैं और ऑलरेडी M के प्राइस हमेशा B4 से इंक्रीज रहते हैं। बाकी इन दोनों ही बाइक्स की लाइक M की और B4 की दोनों ही की मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन बाइक्स के प्राइस आपको कैसे लगे, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो चारों बाइकों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये चारों बाइक ऑफिशियली आज ही लॉन्च करी है अपग्रेड कर यामा ने। जैसे कि इन चारों बाइक्स की डेडिकेटेड वीडियो अलग अलग हमने आपको दे दी है एंड चारों बाइक्स के हमने प्राइस भी आपको लाइक एक्सप्लेन कर दिए इस वीडियो के अंदर। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप की वीडियो और देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।